तो आज हम जा रहे हैं अल्कज़ार शो। तो ये हमारा ब्लॉग, ये हमारा फोर्थ डे है एक्चुअली। तो कल वाला ब्लॉग था सारा इग्नोर का, सारा बर्थडे का था, और आज हमारा अल्कज़ार शो है। तो अल्कज़ार शो में क्या क्या होता है एक्चुअली, हम ये दूसरी बार देख रहे हैं। हाँ, ये दूसरी बार देख रहे हैं एक्चुअली। इग्नोर बहुत छोटा था जब हमने पहली बार देखा था, तो इसलिए हम लोग दोबारा जा रहे हैं देखने के लिए। तो क्या होता है ये आगे हम वीडियो में बताते हैं आपको। और इसके अलावा डिज्नी शो भी है यहाँ पे, एक कान शो है, वो तो बहुत कान शो बहुत बड़ी अच्छा है, मगर इग्नोर बड़ा था। हाँ, इग्नोर बड़ा था जब देखा था हमने, तो याद है, और थोड़ा सा हमने रिकॉर्ड भी किया हुआ था पहले ना, तो इग्नोर को वो याद है। तो ये देखते हैं कि क्या है। पहले हमारा प्लान था डिज्नी शो जाने का, मगर अब भी हम लोग अल्कज़ार ही जा रहे हैं कि हमको पता है कैसे क्या, तो हम वही देखने में दोबारा जा रहे हैं। हमको थोड़ा हमको याद है। तो टिकट्स की डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, और फिर भी उसके अलावा भी आपको कुछ, क्योंकि टिकट ना इस बार ना क्लुक से खरीदी है ना कहीं, मतलब लोकल खरीद रहे, हमने किसी और वेबसाइट से खरीदी, उसका भी QR कोड में हम कोशिश करते हैं QR कोड इधर डाल दें अपने, या नीचे इधर आ जाए या ऊपर आ जाए, कहीं भी आ रहा हो। हाँ, कहीं ना कहीं पे डाल देते हैं, क्योंकि वो काफी सस्ता मिला, क्लुक से भी सस्ता मिली है मेरे को टिकट। पहले मैं देखते हैं कि टिकट वहाँ पे कितने की है और कंपैरिजन, क्योंकि वहाँ पे महंगी है मेरे हिसाब से, तो वो आगे मैं बताता हूँ आपको वीडियो में, और सारे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और उसके अलावा अगर आप लोग कुछ हमसे पूछना चाह रहे हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं आगे। ओके, तो हम पहुँच चुके हैं, 108 बाट लगे हमारे होटल से, एक शो खत्म हुआ है अभी, तो हमारा 6:30 का शो है। हाँ, और ये फोटोग्राफ्स वगैरह के लिए पैसे लेते हैं, बाद में खिंचवाएंगे हम लोग फोटोग्राफ। यहाँ पे आपको इंडियंस ही इंडियंस दिखेंगे, क्योंकि ये पैकेज में भी मिल जाता है ना। हाँ, ज्यादातर ये पैकेज में मिलते हैं ये। हाँ। ओके, तो हमने जो वेबसाइट से ली थी उसका नाम था, हम लोग लिंक भी बना देंगे, टिकट टू अट्रैक्शन। ओके, टिकट टू अट्रैक्शन से ली थी, और हमको ऐसे एनवेल्प यहाँ पे इनके बुकिंग काउंटर पे मिल गया है। तो ये इनका बुकिंग काउंटर है, तो अंदर इसके टिकट्स हैं। इसके अंदर टिकट्स हैं, हमको ये पहली बार ऐसे कुछ चीज़ मिली है। हाँ। नहीं तो हम लोग वो कुछ G2345। ओके, तो हमको VIP टिकट मिली है 850 वाट की, यहाँ पे 1200 वाट की है। बस इतना डिफरेंस है, 400 बाट पर टिकट का डिफरेंस है, मतलब 400 बाट काफी होता है यार यहाँ के हिसाब से। तो हम लोगों ने इग्नोर को सबसे ज्यादा झटका लगा, 400 बाट का पर पर्सन के हिसाब से, 350 बाट पर पर्सन के हिसाब से फर्क पड़ा है। तो आपके पास लिंक आ गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ साइड पे भी QR कोड आ रहा है, तो आप प्लीज जाके क्लिक करो और अपने भी पैसे बचाओ। हम लोग अंदर आके बैठ गए, तो ये जो रेड वाली इधर वाली है ये VIP है, आगे VVIP भी है इनका। हाँ, VVIP 3 रोज है, और ये VIP है, और पीछे नॉर्मल है, और रेड वाले सारे VIP उसके ऊपर नॉर्मल है। हाँ, तो हम लोग आके बैठ गए, और इंडियंस तो बहुत सारे हैं, और पता नहीं ऐसा लगता है कि छुट्टियां चल रही है, टू मेनी फैमिलीज है। हां, और वो बोल भी हिंदी रही, नीचे ऊपर। वो भी जो थाई पर्सन भी है वो भी हिंदी बोल रहे हैं, नीचे ऊपर गाइड करने के लिए। हाँ, वो मेरा रह गया, चलो अगर मुझे अगर फिर से आवाज आई तो मैं रिकॉर्ड चलो अभी वेट कर रहे हैं हम लोग शो के स्टार्ट होने का। वो सामने स्टेज है, बहुत दूर नहीं है, आपको कैमरे में समझ रहा होगा कि नहीं, मगर ये नियर ही है बिल्कुल स्टेज। अच्छा व्यू आने वाला है, और आपको भी अच्छा व्यू दिखने वाला है यहाँ से। अगर हुआ तो हम लोग मोबाइल से शूट करेंगे, क्योंकि इसमें जूम की प्रॉब्लम होती है। हाँ, हमारे इसमें तो हम लोग मोबाइल से शूट करेंगे।
हो गया है। अब ये जो आर्टिस्ट हैं ये बाहर आ रहे हैं, फोटोग्राफ्स हम लोग क्लिक करा सकते हैं। आगे का प्राइस क्या है ये तो पता नहीं है, मगर पहले तो कितना था यार, कुछ याद है पहले? पहले आई थिंक 10 बार था, 10 या 20 बार, हाँ कुछ ऐसे ही था, याद नहीं है एग्जैक्ट। हाँ तो ये देख लो आप, ये लोग आ रहे हैं ना, तो हम लोग इनके साथ फोटो क्लिक करवा सकते हैं पे करके। इस बार का भी बहुत अच्छा था, मगर इस बार इंडियन बहुत ज्यादा थे, इस बार 70% इंडियन थे अंदर। मतलब जब इंडियन परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई ना तो पता लगा कि ज्यादा इंडियन, साड़ियां रिकॉर्ड नहीं करने दिया उन्होंने, मगर अच्छा था। इंडिया वाला सबसे बेस्ट था, इंडिया वाला पार्ट सबसे बेस्ट था, कप बहुत थी, आगे वाले पीछे देख रहे थे, सारे देख रहे हो क्या गया थिएटर अंदर क्या चल गया, अच्छा एक्सपीरियंस था, नाइस एक्सपीरियंस। तो अब हम लोग इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल ही बना ये ब्लॉग, शॉर्ट एंड सिंपल, मगर ये है कि जितना हो सका हमने रिकॉर्ड किया, ज्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ज्यादा अंदर रिकॉर्ड भी नहीं करना थे, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो में सब कुछ देख लोगे तो यहाँ देखने के लिए क्या ही आओगे, तो अच्छा शो था हमारी तरफ से। वैसे तो वीडियो ने जस्टिस किया ही नहीं कि क्या था, क्योंकि आप लाइव आंखों से जो देखते हो उनके ड्रेस तो A1 थे यार, बहुत मजा आया हमको शो का, बहुत मजा आया, एक घंटे का पूरा शो था, और पता ही नहीं चला एक घंटा पता ही लगा कहाँ खत्म हो गया यार। तो अब इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसमें बताएगा क्या करना है, सब्सक्राइब बटन, ओके बाय।